और अब उपचुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि आज नामांकन का आखिरी दिन रहने वाला है और आज प्रत्याशी अपने अपने नामांकन भरेंगे। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य प्रत्याशी आज पर्चा भरेंगे। कल इस क्रम में बीजेपी और कांग्रेस के तमाम प्रत्याशियों ने पर्चा भरा था, क्योंकि आज 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तिथि है। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे का समय है। आज ही जिनको भी चुनावी मैदान में जो भी कैंडिडेट्स हैं, जिनको भी टिकट मिला है, आज उन प्रत्याशियों के लिए आखिरी दिन और दोपहर के 3 बजे तक का ही आखिरी समय है जब आप अपने नामांकन दाखिल कर सकेंगे। बताते चले कि 28 अक्टूबर को वेरिफिकेशन है, जो भी नॉमिनेशन फाइल हुए हैं उनका वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद 30 अक्टूबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे। 25 अक्टूबर आज नामांकन की आखिरी तिथि। तो आज मुख्यमंत्री के भी कई कार्यक्रम हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद सभी कैंडिडेट्स के साथ जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए वो पहुंच रहे हैं तो मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की ओर से, बीजेपी की ओर से एक बड़ी नामांकन सभा भी रखी गई है और नामांकन सभा को भी संबोधित करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। तो बताते चले कि राजस्थान उपचुनाव के लिए 7 सीटों पर उपचुनाव होना है और जिसमें आज जो भी, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो बाप हो या फिर आरएलपी या फिर हम कांग्रेस की बात करें, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपने नॉमिनेशंस नहीं फाइल किए हैं, आज उनके नामांकन भरने का आखिरी दिन है। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक आज पर्चा भरा जाएगा और 3 बजे के बाद अगर कोई आता है तो पर्चा नहीं भरा जाएगा। और 28 अक्टूबर को बताते चले, जितने भी नॉमिनेशन फाइल हुए हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा कि क्या वो सब सही है या फिर नहीं सही है या उनमें कोई त्रुटियां हैं। उसके बाद 30 अक्टूबर तक आप अपने नामांकन को वापस ले सकते हैं, नाम को वापस। बताते चले कि 13 नवंबर को इन 7 सीटों पर होना है उपचुनाव।